सर्जरी थोड़ी रिस्की होती है, उसमें डर लगता है कभी कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैं कहती हूँ कि एज होती है जहाँ आपको थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए। मसलन मैं अगर यहाँ से थोड़ी आईब्रोज करा लेती हूँ, फिलर्स वगैरह शायस्ता के पास चली जाती हूँ कभी, तो मतलब मुझे तो कोई इसमें हर्ज नहीं। मेरी एज ऐसी है कि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है ये अगर ऐसे हो जाए और थोड़ी सी, लेकिन वो मैं यहाँ इतना नहीं भरवाना चाहती कि मैं प्लास्टिक लगाऊँ, मैं अपने लिप्स को नहीं भरवाना चाहती। किसी ने मुझे कहा कि एक पता नहीं लिप्स में क्या भरवा ली, नहीं मैं बड़ी चलाकी से ना अपनी आउटलाइन बहुत अच्छी बनाती हूँ, उसके अंदर लाइट लिपस्टिक लगाती हूँ, तो मेरे होंठ मोटे हो जाते हैं, मेरे होंठ पतले बहुत। मैं ओवरडू करने से डरती हूँ क्योंकि मेरी ये शक्ल आपको 250 साल से याद है, ये शक्ल बदल गई अगर तो आप परेशान होंगे, और वो पता चल जाता है। तो यंग बच्चों को कह रही हूँ कि खुदा के लिए अपना मुंह ना छेड़ो, खुदा के लिए अपने बाल ना डाई करो, इतनी प्यारी शाइन होती है, डाई हमें लगाना पड़ता है, हमारे तो बाल सफेद हो गए। तो बच्चियां देखो 12-12 साल की हो, हाईलाइट्स करा रही होती है, बालों का नाश मार दिया, ऊपर से ये वो, भाई क्या जरूरत है आपको? ठीक है आपके एक्स्ट्रा फेशियल हेयर है उसके लिए आप कोई वो करा ले ट्रीटमेंट, लेकिन छोटी छोटी बच्चियों को मैं देख रही हूँ क्यों अपने मुंह को छेड़ रहे हैं आप यार, आगे तो चल के छेड़ना ही है ना।